देश की सबसे बड़ी अदालत में एक अर्जी दाखिल हुई है जो कि रोमियो जूलियट कानून से जुड़ी है। इसमें किशोरों को इम्यूनिटी देने की मांग की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोमियो जूलियट कानून क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। आजकल अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिसमें किशोर यानी टीनेजर्स ने आपसी सहमति से संबंध बनाए और लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद लड़की के परिजन यही आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी को लड़के ने ही बहलाया फुसलाया होगा, और जब केस दर्ज होता है तो लड़के को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बहस इस बात पर होती रही है कि अगर संबंध सहमति से बने तो लड़के को सजा क्यों। फिलहाल में कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का किशोर मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए और लड़की गर्भवती हो जाए तो लड़के पर बलात्कार का केस दर्ज होता है। यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए देश में पॉक्सो एक्ट लागू है। इस कानून के मुताबिक सहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी किशोर के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो वह अपराध ही माना जाएगा। वही बात करें धारा 376 की, तो उसमें लिखा है कि भले ही 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की ने संबंध मर्जी से बनाए हों, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। माता पिता की शिकायत पर लड़के पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है। वही रोमियो जूलियट की बात करें तो इस कानून में लड़के के लिए प्रोटेक्शन की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि 16 से 18 साल के टीनेजर्स के बीच मर्जी से बने संबंधों को क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। इससे कम उम्र पर यह सजा होनी चाहिए। अर्जी में कहा गया है कि आजकल के टीनेजर्स इतने समझदार हैं कि सोच विचार कर ही काम करते हैं, लिहाजा सिर्फ लड़का पक्ष को परेशान करना ठीक नहीं। हालांकि रोमियो जूलियट कानून के तहत लड़के को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही राहत मिलती है। अगर लड़के और लड़की की उम्र में ज्यादा फर्क हो, जैसे लड़की 13 साल की हो और लड़का 18 साल का हो, इसका मतलब उम्र में 4 साल का फासला, तब ऐसी स्थिति में रेप का केस बनेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं कि सहमति से संबंधों में भी पॉक्सो कानून के कारण एक पक्ष को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि एक उम्र के बाद टीनेजर्स रिस्क को देखते हुए फैसला ले लेते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर यौन संबंध बनाए गए दोनों के बीच आपसी सहमति हो और लड़का लड़की के बीच बहुत ज्यादा उम्र का अंतर ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा। कई विदेशी देशों में पहले से ही रोमियो जूलियट कानून लागू है। इसके तहत वैधानिक दुष्कर्म के आरोप किशोर यौन संबंध के मामलों में सिर्फ तभी लागू हो सकते हैं जब लड़की नाबालिग हो और लड़का वयस्क हो। साल 2007 के बाद से कई देशों ने रोमियो जूलियट कानून को अपनाया है जो लड़कों को गिरफ्तारी से बचाता है। अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उनकी प्रतिक्रिया बलात्कार से जुड़े कानून की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया ही तय करेगा कि सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर नाबालिगों की क्षमताओं को स्वीकार करते हुए कानून में फेरबदल होगा या नहीं। रोमियो जूलियट कानून को लागू करने की याचिका पर बेंच ने कहा, यह कानून का धुंधला हिस्सा है, एक शून्य। इसे दिशा निर्देशों से भरने की जरूरत है कि कैसे 16 साल से ज्यादा और 18 से कम उम्र वालों के मामले में बलात्कार के कानून लागू होंगे जिनके बीच सहमति है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें आपका अपना स्पाइस न्यूज़ भारत।